अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मतलब वेलोसिटी टाइम पोजिशन टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ बना करके हम लोग बहुत सारा रिलेशन हम निकाले थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मैथड। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मैथड से निकाल के देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, देखो ये जाना। इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं होता है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन को अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो एक्सप्रेशन में क्या, बहुत सारा टर्म होना चाहिए। तो टर्म इसमें क्या क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, टाइम रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। मगर जो इसमें एक्सेलरेशन रहेगा ना, वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो ये हमारा फॉर्मूला कहीं भी सेट नहीं होगा। ये जो हमारा इक्वेशन मोशन वो कहीं भी सेट नहीं होगा अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो तब, ठीक है। इसका डिफिनेशन ये होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द सेट ऑफ इक्वेशन, ये सेट ऑफ इक्वेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हम लोग बारी बारी से ग्राफ में ग्राफ देखेंगे, उससे रिलेट करके हम लोग इस फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे, कैसे फॉर्मूला आया है, ये तीनों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले आगे इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखने वाले हैं। अभी हम लोग तीन सेट ऑफ इक्वेशन था ना हमारे पास, तो पहला क्या था, बी इक्वल टू यू प्लस सी, दूसरा क्या था, टू ए सी इक्वल टू, ऐसा था ना, तो तीनों इक्वेशन था। तो अभी बारी बारी में सारे इक्वेशन हम लोग देखेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारे पास ये है, बी इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन भी करते हैं। वेलोसिटी ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये सब ले लो, वेलोसिटी ये एक्सीलरेशन ये टाइम, ये एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारा ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बना दी, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ना, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक हम लोग ग्राफ बना लिए। ये ऊपर से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो बॉडी वेलोसिटी कुछ था जो कि यू है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी क्या है, यू, फाइनल वेलोसिटी बॉडी का क्या है, वी है मान लो, ठीक है, ये क्या है, वी, समझ आया। तो इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, हम लोग वेलोसिटी और टाइम के जब ग्राफ बताए थे उसका हम यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन बता रहे थे उसमें, तो हम उसका एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बताया था, क्या था कि इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ये ऐसे पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आता था, उस टाइम पढ़े थे ना हम लोग, तो वही उसमें अप्लाई करेंगे बस, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब देखो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या है, टोटल हमारा ये क्या है, चलो थोड़ा सिंपल करते हैं, ए बी सी है, ठीक है, ये डी है मान के चलो, ये ओ है, कोई दिक्कत। अगर हमारा मान चलो बी डी क्या दिया होगा, बी डी क्या दिया होगा हमारा, बी डी, बी दिया हुआ है, बी, समझ में आ रहा है। और देखो सी डी क्या दिया हुआ, यू, सी डी यू, ठीक है, यू है, समझ में आ रहा है तुम्हारा। आप देखो बीसी क्या निकलेगा, बीसी देखो तो बीसी क्या निकलेगा, क्योंकि बी डी बराबर क्या होता है, बी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी, बी डी की वैल्यू यू है, बी सी निकालना हमको, सी डी की वैल्यू यू है, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू, कोई दिक्कत, यानी बी सी की वैल्यू हमारे क्या पास क्या निकल गया, बी माइनस यू, कोई दिक्कत है ना। ये हमारा टाइम दिया हुआ, टाइम मान के लिए टी टाइम भी है, टी टाइम भी, यानी ओसी का वैल्यू क्या हो गया, एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू क्या हो गया, टी, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, टी। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, जो हमने पिछला क्लास में देखे थे, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा इसका, ये बटा ये, यानी बीसी बाय एसी, तो बीसी की वैल्यू क्या हमारे पास, बी माइनस यू बाय टी, एसी का टी, तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हम ठीक से अरेंज करते हैं उस फॉर्म में लाने के लिए, एटी इक्वल टू बी माइनस यू, यानी बी इक्वल टू यू प्लस एटी, आ गया ना, जो हमको प्रूव करना था लाना था वो ले आएगा, यानी ग्राफिकल वे से हम लोग इसको प्रूव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, ओके। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं ग्राफिकल वे से। देखो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस क्या था हमारा डिस्टेंस था, यू हमारे इनिशियल वेलोसिटी था, टी इक्वल टू टाइम था, आप तो जानता ही हो, ए क्या था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, टी टाइम था, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफिकल वे से प्रूव करेंगे कैसे, ये आया हमारे पास।
एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही फिगर हम बनाते हैं। चलो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ये हमारा क्या था, u होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये हमारा क्या होगा फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब यहां इसको हम लोग a मान लिए हैं। यहां पास एक्चुअल में ग्राफ था, इसी से यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, कोई इक्वेशन बनाने वाले हैं। a हो गया, ये b हो गया, यानी b पोजीशन पे हमारा बॉडी वेलोसिटी v था, a पोजीशन में हमारा बॉडी वेलोसिटी u था। ठीक है, और a से b तक का टाइम कितना है हमारे पास, a से b तक का टाइम हमारे पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको डी मान लिया। तो हमारे यहां पे एस दिया गया है, एस मतलब क्या, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में डिस्टेंस निकालने के क्या तरीका बताया था हम लोग, जिस पोजीशन के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है उसके अंडर हम लोग एरिया लेते हैं। ए और सी, ए और बी के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, उसका अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, डी सारा होगा ना। ये सारा एरिया हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग अब निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये एरिया निकाल क्या चलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए सी, ए सी की वैल्यू क्या, टी, ठीक है, प्लस सॉरी इनटू ना होगा, ऊंचाई क्या हमारे पास बीसी, बीसी क्या आ जाएगा, तुरंत बताए थे बी माइनस यू, बी माइनस यू, कोई दिक्कत, यानी हाफ आधार में ऊंचाई होगी हमारे पास, यानी ये हमारा एरिया अभी निकला है, ठीक है, और ये एरिया हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, यू इंटू टी, कोई दिक्कत, एरिया ऑफ ए सी डी ओ, ये क्या हमारा u इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम्हारा s टोटल s क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो गया, s का रहेगा डिस्टेंस, अगर दोनों ऐड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए सी डी ओ, ओके, तो एरिया ए बी सी क्या हो गया, हाफ टी वी माइनस यू प्लस एरिया ए सी डी ओ, दैट इज यू टी, ठीक है। हमको देखो यहां पे क्या एक्सेलरेशन लाना है, ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को कैसे ला सकते हैं, देखो ध्यान दो, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी था ना, यानी बी माइनस यू को हम लोग ए टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां बी माइनस यू है तो ये ए टी यहां पर हमको डाल दे, हाफ टी ए टी प्लस यू टी, कोई दिक्कत, डिस्टेंस क्या है एस, एस इक्वल टू हाफ ए टी टी स्क्वायर हो गया प्लस यू टी, देखो यही फॉर्मूला आ गया ना, देखो इसको ठीक से हम लिखेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हमारा ये भी प्रूफ हो गया, जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तुम लोग कॉपी में एक दो बार फिर से अपने से बनाना, तब तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ये तो बहुत स्पीड में हो जा रहा है, ठीक है, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान लगाना, कॉन्सेप्ट यही है सारा कुछ, सब कुछ यही है। तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट को भी प्रूव करेंगे, तो भी हम लोग तीसरा इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं, तीसरा इक्वेशन एक्चुअली है क्या, देखो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए, फाइनल पोजिशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजिशन का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, इसमें टाइम नहीं है कहीं पे, टाइम की तरह नहीं दिख रहा है, तो टाइम को हम लोग इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम को इसे हटाना पड़ेगा। ये इक्वेशन कब हमारा काम आएगा, जब कोई भी सवाल में हमारा वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, अगर टाइम ना दिया हो तब ये इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं, तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सेम ग्राफ हम लोग जो बनाया उसी से हम लोग तीनों प्रूव कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ था हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं पहले से इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, ये हमसे याद रखना, ठीक है, हो गया। तो स्टार्टिंग में बॉडी वेलोसिटी क्या है, यू,
और जब बॉडी रुका उस वक्त तो स्पीड क्या हो गया, वो रुका नहीं, मतलब बॉडी का इस वक्त फुल स्पीड क्या है, वी। ठीक है, ये इसको हम लोग ए माने हैं, ए पॉइंट ए बी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे पैरेलल ड्रॉ किए है, ऐसे पैरेलल ड्रॉ किए हुए, ऐसे पैरेलल ड्रॉ किए हुए। ठीक है, तो इसमें एस का टर्म आ रहा है, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के टर्म क्या निकालते हैं, उसके एरिया निकालते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे, सेकंड वाले केस में एरिया को तोड़ तोड़ के निकाले थे ना, मगर ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेपेजियम भी है, समलम, इसको हिंदी में हम समलम कहते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम ये क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, इसको हिंदी में समलम कहते हैं। ओके, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, जो कि ट्रेपेजियम है, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ। ठीक है, उसके आमने सामने जो भुजा है, आमने सामने जो उसका साइड है, उसका उसका ऐड होता है बी सी। देखो इसको जनरल फॉर्मूला हम ट्रेपेजियम में लिखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग छोड़ेंगे, सम ऑफ साइड्स इनटू, ठीक है, सम ऑफ ओपोजिट साइड, ये दोनों साइड में साथ में उसको हम लोग ऐड करेंगे, सम ऑफ साइड्स नहीं, सम ऑफ साइड्स का मतलब ये नहीं कि ये साइड्स में नहीं सम करना, सम ऑफ ये पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इसका हाइट, देखो इसमें पैरेलल साइड कौन सा है, ये पैरेलल है बीसी और सीडी पैरेलल है, पैरेलल मतलब पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, जो आपस में कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ये और ये कभी करेगा नहीं करेगा, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, तो इसी का सम हमको देखना है उसका एरिया में, सम ऑफ पैरेलल साइड बीसी प्लस एडी, बीसी प्लस एडी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट होगा इसका, ये हाइट होगा ये एनसीडी, कोई दिक्कत, ये हमारा टैन है ना, यानी यहां दिया था हमको थ्री टैन लगा था, ये यू था ये बी था, यानी हाफ एरिया क्या हो गया, एरिया हमको डिस्टेंस देता है, एरिया क्या देता है, हमको डिस्टेंस देता है, यानी एस देता है हाफ बी सी, बी सी क्या हो गया हमारे पास, बी सी ए, बी सी हमारा बी है, दिखा है ना बी यहां पे, प्लस एडी क्या है हमारे पास, एडी, एडी क्या यू है, ये क्या था वेलोसिटी का हमारा यू, कोई दिक्कत है ना, इंटू सी डी, सी डी क्या है टाइम है, यानी एस इक्वल टू, ठीक है अभी हमारे पास में टाइम दिया गया, समझ में आ रहा है, आप देखो इसी की इक्वेशन में टाइम नहीं, टाइम है नहीं आया टाइम, ये टाइम को हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन में क्या प्रॉब्लम देखे था ना, इसमें एक्सीलरेशन है, इसमें एक्सीलरेशन नहीं पहने ना, तो लाना पड़ेगा हमको, ऐसे लाएंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से डी माइनस क्यू बाई ए, तो इसको हम यहां पर पुट करेंगे हाफ बी। ठीक है, बी और यू में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तुम लोग ध्यान से लिखना, टी टी की जगह क्या लिखेंगे, डी माइनस यू बाई टी, सॉरी ए, डी माइनस यू बाई ए हाफ बी प्लस यू, बी माइनस यू बाई ए, यानी टू ए, और इधर आ गया टू ए एस, बी प्लस यू, बी माइनस यू, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम लोग जानता होगा, यानी बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए बी हो गया, बी यू हो गया, यानी यही प्रूफ करना था हमको, सेम टर्म है ना, यानी प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी जो हम लोग तीनों भी क्वेश्चन को प्रूव किया, तुम लोग उसको फिर से अपने से दो तीन बार करना, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर नहीं समझ में आया तो उसको दो तीन बार रिवाइज करना, बार बार देखना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम सिर्फ बोल रहे हैं लिख नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो सब भी तुम लोग अपना नोट्स कॉपी में जरूर लिखना, और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो हम बताएंगे, और एक और टॉपिक बचा हुआ सर्कुलर मोशन, वो ज्यादा नहीं थोड़ा सा, वो भी हम बताएंगे अभी।
तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो, ये जो क्लास 9 में जो टॉपिक दिया वो बहुत इंट्रो टाइप का दिया, सर्कुलर मोशन में सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ इंट्रो के तौर पर ही देखेंगे, और हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th, तो उसमें बहुत डीप में पढ़ना हम लोग को। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन होता क्या है, नाम से पता चला सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब क्या, कोई एक सेंटर होगा और एक क्या उसका पेरीमीटर होगा, उसको सर्कमफेरेंस करते हैं, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी अगर कोई कोई एक पॉइंट के अबाउट पूरा घूम रहा हो, पॉइंट के अबाउट सेम डिस्टेंस पे घूम रहा हो, घूमने का मतलब क्या, घूमना मतलब क्या होता है पता है, घूमना मतलब टाइम के साथ हमेशा डायरेक्शन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा हो। एक अगर फिक्स पॉइंट है, अगर हम हाथ में एक क्या रस्सी पकड़े उसमें एक पत्थर बांध दे उसको गोल घुमा रहे हैं, मतलब एक हमारा पॉइंट फिक्स है यहाँ पे, प्लस में जो रस्सी हो क्या रेडियस हो गया, लेंथ जो लेंथ भी फिक्स कर दी, और हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं, उसका टाइम के साथ डायरेक्शन को बदल रहा है, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वो सर्कल में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो वही इसमें बता दिया सर्कुलर मोशन कर रहा है, मगर कैसे, यूनिफॉर्म वे में, यानी हमारा जो डायरेक्शन जो चेंज कर रहे हैं हम लोग एक यूनिफॉर्म वे में कर रहे हैं, ना यूनिफॉर्म में नहीं, समझ रहा। तो इसका डेफिनेशन ये है, वेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इट्स देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, एक कवर करने में क्या होगा, सर्कल को एक कवर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा, अगर रेडियस आ रहा है तो 2πr3 होता है सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस 2πr, मतलब यहां से बॉडी वापस यहां आने के लिए 2πr लगेगा, ठीक है। तो 2πr/t डिस्टेंस बाय टी वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और आप लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि डॉक्टर फील्ड में अगर बुक्स किसी पास नहीं है तो एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कीजिए, उसमें बहुत सारा सवाल दिया हुआ है इससे रिलेटेड, और सवाल को बनाइए। अगर कोई भी सवाल नहीं बनता तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर इस टॉपिक का ये पॉइंट वाला सवाल नहीं बन रहा, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। और जहां भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।